उसके बाद उसको क्लियर करके जापान हमें भेजा जाएगा। सब प्रोग्राम है जापान में इंटर्नशिप को मिल करने को मिल रही है 3 साल की। इंटरव्यू सेशन होगा, इंटरव्यू सेशन के बाद हमारा जापान के लिए सिलेक्शन जिसका भी होगा जापान जाएंगे। उत्तराखंड में युवा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ हमारे साथ कौशल विकास योजना के तहत कुछ छात्र हैं जिनका चयन जापान के लिए हुआ है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मिल लेते हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, किस के स्टूडेंट हो, किस फैकल्टी के स्टूडेंट हो, सारा बताइए। मेरा नाम निकिता है और मैं सहसपुर से ही हूँ और मैं TITP के थ्रू एक नर्सिंग जैपनीज लैंग्वेज का कोर्स कर रही हूँ। वो कोर्स 3 मंथ का है और उसके थ्रू हमें जैपनीज लैंग्वेज पूरा कोर्स 3 मंथ में सिखाया जा रहा है। उसके बाद हमें मतलब जापान मतलब हमें क्लियर करना पड़ेगा एग्ज़ाम जो दिल्ली में है, और जो दिल्ली में एग्ज़ाम है वो 15 को है, 15 अक्टूबर को अभी। उसके बाद उसको क्लियर करके जापान हमें भेजा जाएगा। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम युविका और मैं रुद्रपुर से हूँ। यहाँ मैं वोकेशनल ट्रेनिंग करके आई हूँ 3 महीने की, और जैसे ही पता चला कि 3 ईयर इंटर्नशिप है जापान में और ये बहुत अच्छा एक अवसर मिला है सारे यूथ को, उनको रोज़गार देने के लिए, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम जापान भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और हम वहाँ पर काम भी कर पाएंगे। आप ये बताएं, आप यहाँ पर किस फैकल्टी के स्टूडेंट हैं? मैं PMKVY से कोर्स कर रही थी वोकेशनल ट्रेनिंग, जो 3 मंथ्स की होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके थ्रू हमें पता चला, यहाँ देहरादून में सेमिनार हुआ था, फिर हमने सेमिनार अटेंड किया, फिर हमें पता चला कि ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम है जापान में इंटर्नशिप को करने को मिल रही है 3 साल की यूथ के लिए, जिसकी वजह से हमने इंटरव्यू वगैरह दिया, उसमें हम सिलेक्ट हुए हैं सारे ये जितने भी बैच के बच्चे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हैं और 15 तारीख को हमारा पेपर है, उसके पेपर के बाद ही हमारा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम हरिश्चंद्र ओझा है। मैंने मास्टर इन योगा किया है, एम इन योगा एंड योग थेरेपिस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर जैपनीज लैंग्वेज का कोर्स किया, 3 मंथ्स का कोर्स है। अब हमारा 15 को एग्ज़ाम है, उसके बाद हमें जिसका भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बाद हम लोग जापान जाएंगे। जी, तो जापान में आप जाने वाले, क्या कोई परीक्षा इसके लिए क्लियर करनी होगी? हाँ, अभी JLPT का एग्ज़ाम है 15 को, उसके बाद 15 को एग्ज़ाम होने के बाद जो उसे क्लियर करेगा उसके बाद इंटरव्यू सेशन होगा, इंटरव्यू सेशन के बाद हमारा जापान के लिए सिलेक्शन जिसका भी होगा जापान जाएंगे। और भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं, ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता है, मैं चंपावत के बंसा नाग जी से रहती हूँ जैसे हूँ, और अभी हम जापनीज लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं और 15 को एग्ज़ाम के बाद हम जापान जाने वाले हैं। जी, आप यहाँ पर क्या किस किस स्टूडेंट हैं? मैं मास्टर्स ऑफ योगा किया हुआ है मैंने, एंड उसके बाद मुझे पता चला इस कोर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम 3 महीने से कोर्स कर रहे हैं, जापनीज लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद हम जापान जाने वाले हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि योगा के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी बेसिक नीड्स क्या होती है? योगा के बारे में, योगा हमारे शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, साथ ही हमारी मानसिक स्थिति को सुधार करने के लिए भी आवश्यक है, योगा की ज़रूरत होती है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ स्टूडेंट है, अलग अलग फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, इन लोगों को जापान जाना, उनका बाकायदा चयन हुआ है, एक परीक्षा उनको पास करनी होगी, इसके बाद ही जापान जाएंगे। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश तप्रियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।